साफी साहब, क्या ये एक नई लड़ाई का आगाज किया जा रहा है? आगे मामला किधर जाएगा? कल भी अर्ज किया था कि भाई ये उस परवेज मुशर्रफ को सजा दी गई है जो उस फौज को मुतनाज़िया करने का बायस बना था, जो चौधरी शुजात और उन लोगों का लीडर बना था, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है और जो अल्ताफ हुसैन जैसे लोगों की सरपरस्ती करता रहा, तो उसको फौज का और अदलिया का मामला बनाना मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी नहीं है। फिर तीसरी बात जो बाबर सत्तार साहब ने कही कि देखें ये या तो ये कि हम आईन में लिख लें कि इस मुल्क में एक नंबर के सिटीज़न हैं, दूसरे दो नंबर के सिटीज़न। इससे पहले एक फैसला आया था जिसमें वज़ीर आज़म के बारे में सिसिलियन माफिया और गार्ड फादर के, हालांकि उनके पास अपील की गुंजाइश भी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट उनके लिए ट्रायल कोर्ट बन गई थी। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपील की गुंजाइश है, सुप्रीम कोर्ट चला जाए उससे अंडू कर लिया जाए, लेकिन ये तरीका अगर होगा कि इसकी बुनियाद पर जज के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो अगर इसको जुडिशरी और दूसरे इदारों की लड़ाई इन इकदाम से वो बनेगी, और मेरे ख्याल में वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, खुद परवेज मुशर्रफ साहब के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे इदारों के लिए भी अच्छा नहीं है। उधर जाके अपील के जरिए आप ये कह रहे हैं, अपील का बेहतर ऑप्शन था।